और इस तस्वीर में मौजूद हाजिर ने कराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं इंतजामिया की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आज की खूबसूरत तकरीब में कुछ बोलने का मौका इनायत फरमाया। यौम जमहूरियात हिंदुस्तान की एक कौमी तादीर का दिन है जिसे मुल्क भर में बड़ी ही शान और शौकत से मनाया जाता है। अगरचे हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को बरतानवी तसल्लुत से आज़ाद हो गया था लेकिन 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तानी तारीख में अहमियत जिसे हासिल है उस दिन हिंदुस्तान के आइन का नफाज किया गया और हिंदुस्तान एक मुख्तार मुल्क और एक मुकम्मल तौर पर रिपब्लिक यूनिट बन गया जिसका ख्वाब हमारे रहनुमाइयों ने देखा था अपने खून जिगर के गुज़िश्ता की आबियारी के लिए और खुद अपने मुल्क की मुख्तारी हिफाजत के लिए जामे शहादत भी नोश किया था। चुनांचे आइन नवाज के दिन के तौर पर 26 जनवरी को बतौर यादगार मनाने के लिए तय किया गया यह दिन आज़ाद और जमहूरियत की हकीकी रूह की नुमाइंदगी करता है लिहाजा इस दिन हमारा मुल्क जमहूरिया होने के नाते इसे बतौर तकरीब मनाते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ उनके जद्दोजहद का आगाज 1857 ईस्वी से हुआ। ये गलत मकसूदा है जो जानबूझकर आम किया गया है ताकि 1857 ईस्वी से 100 वर्ष पहले जिस तहरीक का आगाज हुआ था जिसके नतीजे में बंगाल के सिराजुद्दौला 1775 ईस्वी में हैदर अली 1770 ईस्वी में मजनू का 1760 ईस्वी से 1780 ईस्वी में टीपू सुल्तान 1791 ईस्वी में मौलवी शरीयतुल्लाह अपने बेटे की हमला 1812 ईस्वी में और सैयद अहमद शहीद 1831 ईस्वी में जो अंग्रेजों के खिलाफ बाकायदे जंग लड़ी थी वो सब तारीख के गुबार में दब जाए और अहले वतन ये जान न सके। यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी के जश्न के हवाले से मदारिस के खिलाफ एक बेअसल बयान के जरिए मुसलसल एक तूफान बर्पा करने की कोशिश की जाती रही है हालांकि तारीख का आधा से आधा तालिबे इल्म भी वाकिफ होंगे जंग आज़ादी में मदारिस का किरदार किसी से माफी नहीं है। जंग आज़ादी में मदारिस का किरदार एक सुनहरे बात की हैसियत रखता है लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से आरएसएस और उसकी अनमाना पार्टी ने उन मदारिस के खिलाफ एक बेअसल बयान के जरिए एक सवालिया निशान कायम करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी के मौके पर मदारिस में छुट्टी नहीं रहती और ना ही जश्न मनाया जाता है जबकि हकीकत हाल यह है कि मुल्क के तूल अर्थ में फैले उन मदारिस में उन दोनों दिन में छुट्टी रहती है और बड़े शान शौकत के साथ जश्न भी मनाया जाता है। वतन अजीज की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार किसी से माफी नहीं है खास तौर पर उनमें इकराम के साथ इतना सरपोश हो जाना उन पर शक करना उन्हें मशकूक करार देना क्या ये शर्मनाक और बेहूदा हरकत है। शुरू की जिसने आज़ादी की लड़ाई वो मुसलमान ही था दिया हिंद को ताजमहल जिसने वो शख्स मुसलमान ही था जहाँ लहराता है तिरंगा आज भी बड़ी शान से क्या तामीर जिसने लाल किला वो शख्स मुसलमान ही था सारे जहाँ से अच्छा हिंदू किता हमारा लिखा जिसने ताना नए हिंद वो एक बार मुसलमान ही था। खुदाए अजीम हमारे मुल्क को दुश्मनों के शरोफसाद से महफूज रखे और इसे अमन शांति का गहवारा बना दे इसे मजीद तौफीक फरमाए ताकि ये हर मैदान में बुलंद मकाम पर फायज हो। आमीन बिजाई सैयदिल मुर्सलीन व आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।